देख रहा था स्टेडियम की तरफ और पीछे से पकड़ा ली। Hey guys, what's up? I am back with another new video. आज हम फिर से खेलने वाले बेस्ट ऑफ सुपर ओवर और आज मैच है साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया का और ये डर्बन फील्ड से होने वाला है, मतलब साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है। सो मैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलने वाला हूँ। यहाँ पर दोनों कप्तान फाफ डु प्लेसी एंड एरन फिंच आ चुका है टॉस करने के लिए और साउथ अफ्रीका टॉस जीत चुका है और मैं साउथ अफ्रीका की तरफ से खेल रहा हूँ। सो मैं पहले बॉलिंग करूँगा और यहाँ पर साउथ अफ्रीका टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहला गेंद रबादा का स्ट्राइक पे, डेविड वार्नर यहाँ पर लेग साइड पे गेंद था और गैप पे शॉट मार दिया डेविड वार्नर ने। पहला गेंद पे 4 रन यहाँ पर मिलता हुआ डेविड वार्नर को, बहुत ही बेहतरीन शॉट डेविड वार्नर की तरफ से। दूसरा गेंद रबादा का, मैं यहाँ पर फुल लेंथ डिलीवरी करने वाला हूँ और यहाँ पर भाई साहब पॉइंट पे जो गैप था उस गैप से शॉट खेल दिया डेविड वार्नर ने और यहाँ पर डेविड वार्नर को 4 रन मिलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन शॉट डेविड वार्नर के बल्ले से। तीसरा गेंद कागिशो राबादा का और ये वाला गेंद स्लोअर करा रहा हूँ और यहाँ पर बढ़िया शॉट लगाया लेकिन फील्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, डॉट गेंद यहाँ पर। चौथी गेंद भी मैं स्लोअर ही करा रहा हूँ और यहाँ पर चौथी गेंद भी स्लोअर किया लेकिन बेहतरीन शॉट खेला और यहाँ पर चौका मिलता हुआ, अरे भाई क्या कर दिया, बेहतरीन गेंद था बैकफुट पे जाके डेविड वार्नर ने सिर्फ 5 किया। देखो भाई व्हाट इज शॉट, बढ़िया शॉट यहाँ पर डेविड वार्नर ने बैकफुट पे जाके सिर्फ 5 किया था और यहाँ पर गैप पे निकल गया 4 रन के लिए। सो 4 गेंद पे रबादा ने ऑलरेडी 13 रन दे चुका है। पांचवी गेंद भी मैं स्लोअर ही कराऊंगा और यहाँ पर बढ़िया पुल शॉट लेकिन फील्डर है। सो इस वाली गेंद पे डॉट, एक भी रन नहीं आया। इस इनिंग्स का लास्ट गेंद यहाँ पर आउट स्विंग करने वाला हूँ मैं और यहाँ पर बढ़िया गेंद, यहाँ पर भी डॉट। सो लास्ट दो गेंद पे एक भी रन नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट इनिंग्स पे 13 रन बनाया एक ओवर पे, अब देखते हैं साउथ अफ्रीका फास्ट इनिंग्स पे कितना रन बना पाता है। तो चलो साउथ अफ्रीका का फास्ट इनिंग्स देखते हैं। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है क्विंटन डी कॉक एंड राजा हेनरिक्स और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बोलिंग करेगा पैट कमिंस। यहाँ पर पहला गेंद पैट कमिंस का और बढ़िया शॉट खेल दिया क्विंटन डीकॉक ने, एक ही रन मिलेगा, फील्डर है और पहला गेंद पे एक रन मिलता हुआ क्विंटन डीकॉक को। अभी स्ट्राइक पे राजा हेनरिक्स एंड पैट कमिंस का दूसरा गेंद, बढ़िया शॉट लेकिन इनसाइड एज लगा और कीपर ने कोई भी गलती नहीं किया और यहाँ पर विकेट मिलता हुआ पैट कमिंस को, बहुत ही बेहतरीन गेंद पैट कमिंस का और यहाँ पर राजा हेनरिक्स का विकेट गिर गया। थर्ड एम्पायर तक तो बात नहीं जाना चाहिए और यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग। तो राजा हेनरिक्स ने गोल्डन डक बना के यहाँ पर आउट हो गया। अब बैटिंग करने आ रहा है कप्तान फाफ डु प्लेसी। तीसरा गेंद पैट कमिंस का और यहाँ पर बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश किया था लेकिन शॉट चॉइस बहुत ही पोर आया है, 3 गेंद पे सिर्फ एक ही रन आया है। चौथी गेंद यहाँ पर पैट कमिंस का, बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश किया था, यहाँ पर रन आउट का मौका, रन आउट भी हो गया। यार इस कैमरा एंगल से मैं खेल नहीं पाता हूँ ना, यही तो दिक्कत हो गया। और यहाँ पर क्विंटन डीकॉक भी रन आउट हो गया, बहुत अब तो साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा परेशान पे आ चुका है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग और रिफ्लेक्स भी बहुत ही बढ़िया पैट कमिंस का, बहुत ही सही से रन आउट किया। और इस वाली कैमरा एंगल से थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं इस कैमरा एंगल को प्रेफर करता हूँ, जब दिक्कत होगा तभी तो मजा आने वाला है गेम पे। और क्विंटन डीकॉक एक गेंद पे एक रन बना के भी आउट हो गया, यहाँ पर रन आउट। अब बैटिंग करने आ रहा है डेविड मिलार, ये तो बहुत खतरनाक बैट्समैन है, देखते हैं। यहाँ पर अभी भी 2 गेंद बाकी है, स्ट्राइक पर डेविड मिलार और पैट कमिंस का 5वीं गेंद, शॉट लेना पड़ेगा यहाँ पर। 5वीं गेंद, बढ़िया शॉट और यहाँ पर मिलेगा चौका, बहुत ही बेहतरीन शॉट डेविड मिलर की तरफ से। पहला गेंद पे ही डेविड मिलर ने चौके के साथ शुरुआत किया, बहुत ही बढ़िया शॉट। अभी भी साउथ अफ्रीका 8 रन पीछे है और लास्ट गेंद इस इनिंग्स का पैट कमिंस, यहाँ पर बढ़िया शॉट खेल दिया डेविड मिलर ने और छक्का मार दिया यहाँ पर डेविड मिलर ने पैट कमिंस को, बहुत ही बढ़िया। डेविड मिलर ने लास्ट पे आके 2 गेंद पे 10 रन बना दिया, बहुत ही बढ़िया बैटिंग डेविड मिलर की तरफ से, लास्ट पे आके बहुत बढ़िया धुलाई किया यहाँ पर डेविड मिलर ने। साउथ अफ्रीका ने फास्ट इनिंग्स पे 11 रन बनाया, मतलब 2 रन साउथ अफ्रीका पीछे है। सो बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया डेविड मिलर ने, लास्ट पे आके 2 गेंद पे 10 रन बना दिया और पैट कमिंस ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया था डेविड मिलर से आने के पहले। तो अभी ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आएगा, तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स में कितना रन बना पाता है और साउथ अफ्रीका को कितना टारगेट देता है ऑस्ट्रेलिया। सो चलो ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड इनिंग्स देखते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है डेविड वार्नर एंड एरन फिंच और बॉलिंग करेगा कागिशो राबादा। पहला गेंद कागिशो राबादा का स्ट्राइक पैड डेविड वार्नर और बढ़िया शॉट खेला है नीचे, फील्डर नहीं, फील्डर को बीट करेगा लेकिन इस वाले फील्डर भी बीट करेगा, मतलब इस वाले फील्डर भी पहुंच नहीं पाया, मैंने सोचा पहुंच जाएगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। और यहां पर बहुत ही बेहतरीन चौका, फास्ट गेंद पे चौका मार दिया डेविड वार्नर ने राबादा को।
दूसरा गेंद कागेश्वर राबा द कार्ड, यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी, लेकिन डेविड वार्नर इनका फायदा उठा नहीं पाया। सो दो गेंद पे सिर्फ पांच ही रन आया। अभी स्ट्राइक पे आ चुका है एरन फिंच, स्ट्राइक पे एरन फिंच और राबादा का यहाँ पर तीसरा गेंद, बढ़िया शॉट खेला, नीचे फील्डर है, फील्डर कैच करेगा और यहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर राबादा को मिलता हुआ उनका पहला विकेट इस मैच का, और यहाँ पर एरन फिंच गोल्डन डक बना के आउट हो गया। बहुत ही बेहतरीन विकेट कागेश्वर राबादा की तरफ से, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और भाई कैच तो अलग ही लेवल का कैच है। एक कैच को कैसे लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। भाई देखो, देख रहा था स्टेडियम की तरफ और पीछे से पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सामसी ने कैच पकड़ा है और एरन फिंच गोल्डन डक बना के आउट हो गया। अभी बैटिंग करने आ रहा है डार्सी शॉट, चौथी गेंद राबादा का और यहाँ पर बढ़िया गेंद, एज लगा है, फील्डर है शॉर्ट थर्डमैन पे और यहाँ पर शॉर्ट थर्डमैन पे भी फील्डर है, थर्डमैन पे भी फील्डर है और यहाँ पर थर्डमैन का फील्डर पकड़ लिया गेंद को। चार गेंद पे सिर्फ छह रन आया है। पांचवी गेंद यहाँ पर बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन बीट हो गया डार्सी शॉट, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी राबादा की तरफ से। लास्ट गेंद राबादा का और यहाँ पर बढ़िया गेंद और यहाँ पर विकेट कीपर ने कैच कर लिया, एज लगा और यहाँ पर दूसरा विकेट मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग राबादा की तरफ से और डार्सी शॉट को आउट कर दिया लास्ट गेंद पर राबादा ने। बहुत ही बढ़िया गेंद था, डार्सी शॉट एज दे दिया और कीपर ने कोई भी गलती नहीं किया। बहुत ही बेहतरीन विकेट, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर राबादा ने। सेकेंड इनिंग्स पे छः रन देकर दो विकेट ले लिया और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ आठ ही रन आ गया है। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 9 रन चाहिए। देखते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका इस वाले मैच को जीत पाता है या नहीं, या पैट कमिंस कुछ करके दिखाता है। तो चलो साउथ अफ्रीका का सेकेंड इनिंग्स एंड इस मैच का फाइनल इनिंग्स देखते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है क्विंटन डीकॉक एंड राजा हेनरिक्स और यहाँ पर बॉलिंग करेगा पैट कमिंस। पहला इनिंग्स में बहुत बढ़िया बॉलिंग किया था। स्ट्राइक पे क्विंटन डीकॉक और पैट कमिंस का पहला गेंद, यहाँ पर बढ़िया पुल शॉट, शॉर्ट पिच गेंद था, पुल शॉट बढ़िया लगाया, सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी। अभी स्ट्राइक पे राजा हेनरिक्स और पैट कमिंस का दूसरा गेंद और यहाँ पर मिस कर गया, बाउंस था, शॉर्ट पिच था, मिस कर गया और अंपायर ने वाइड दे दिया। बहुत बढ़िया यहाँ पर फ्री पे एक रन मिल गया। दूसरा गेंद पैट कमिंस का और ये भी वाइड देना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ही बाहर गेंद है और अंपायर क्या देगा, अंपायर ने भी वाइड दे दिया। बहुत बढ़िया यहाँ पर पैट कमिंस दो लगातार वाइड कर दिया। दूसरा गेंद पैट कमिंस का और यहाँ पर बढ़िया शॉट लगाया गैप पे, चार रन के लिए बाउंड्री के बाहर जाता हुआ गेंद। बहुत ही बेहतरीन शॉट राजा हेनरिक्स के बल्ले से, बहुत ही प्यारा शॉट। जीतने के लिए दो रन चाहिए चार गेंद पे और पैट कमिंस का तीसरा गेंद यहाँ पर और ये वाला गेंद बाई चार चला गया यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जीतने का मन ही नहीं है, फ्री पे रन दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने इस वाले मैच को बहुत इजीली जीत गया, साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 3 विकेट से जीता है। सो मैन ऑफ द मैच हुआ है डेविड वार्नर, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स पे डेविड वार्नर बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया, सेकंड इनिंग्स पे तीन गेंद मिला, तीन गेंद पे उनका हिसाब से वो सही बैटिंग किया। ऑस्ट्रेलिया इस वाले मैच को जीत सकता था लेकिन ट्राई नहीं किया, गिव अप कर दिया, साउथ अफ्रीका को फ्री पे रन दे दिया। तीन गेंद पे साउथ अफ्रीका ने 11 रन बनाया, उनमें से पैट कमिंस ने एक बाई का चौका दिया है और दो वाइड कर दिया, मतलब यहाँ पर 6 रन फ्री पे दे दिया। 9 रन का टारगेट है और 6 रन तुम लोग फ्री पे दे रहे हो तो कैसे मैच जीतोगे। तो आप लोग यहाँ पर स्टैंडिंग देख सकते हो, साउथ अफ्रीका इस वाले मैच को जीतने के बाद नंबर 4 पे आ गया, 10 मैच खेला 10 पॉइंट के साथ, इंडिया 9 मैच पे 10 पॉइंट है तो ठीक ठाक ही है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 9 पे चला गया है और लास्ट पे न्यूजीलैंड। यहाँ पर सब टीम के पास अभी भी मौका है कमबैक करने का, देखते हैं यहाँ पर कौन टॉप 4 टीम ऑलरेडी क्वालिफाई करेगा नॉकआउट स्टेज पे, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा टीम टॉप 4 पे एंड करेगा जब टूर्नामेंट एंड होगा। तो गाइस एक अनाउंसमेंट है, कल आने वाला है कस्टम फाइटर्स का एक मैच, ठीक है, और कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक पोल डाला है, वहाँ पर जाके आप लोग वोट कर सकते हो। उधर क्या हुआ, उधर मैंने आप लोगों से पूछा है कौन सी टाइम पे मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए, आप लोग मुझे वहाँ पर वोट करके बता सकते हो कौन सी टाइम पे मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए, मतलब कौन सी टाइम पे आप लोग प्रेफर करते हो मेरे से वीडियो, तो वहाँ पर जाके ज़रूर वोट कर देना गाइस, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले मैच इतना ही, अगर मैच पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ गाइस लाइक जरूर कर देना इस वाले वीडियो को, ठीक है, और नीचे कमेंट करके बताओ वो वाला कैच आपको कैसे लगा, मतलब जिस वाले कैच पे एरन फिंच आउट हुआ है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा चैनल पर आप लोग नया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर प्रेस कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा चैनल को सपोर्ट और वीडियो को प्यार देते रहिए। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side.